हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और जैसे कि आपको पता है, डेली जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, दे जस्ट कॉल आर नंबर विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वीडियो अगर पसंद आता है गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वैसे आज की मैं बात करूं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग कौन से चैप्टर को करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का जो मैथ्स में लीनियर इक्वेशन चल रहा है, और आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो है लीनियर इक्वेशन का, आई थिंक दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, उसको करने जा रहे हैं। काफी सारा कुछ हम लोग इसमें सीखे हैं, सारे मेथड सीखे हैं, जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, काफी कुछ सीखे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है वो कैसा रहेगा। मतलब अगर आप लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम को अच्छा कर लेते हो, तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में, ताकि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम ईजी हो जाए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशन, इसका पूरा नाम क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जितना भी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, दो इक्वेशन बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वो दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, ये दो इक्वेशन बनाएंगे। और तो और हमें जब भी कोई वैल्यू मानना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम दो वेरिएबल माने। जैसे अगर हमें वेरिएबल मानना है जो हमें नहीं पता है, तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम ही है भाई टू वेरिएबल, तो आपको जब भी मानना है दो वेरिएबल मानना है, एक एक्स में और एक वाई में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप आराम से कोई भी मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन मान लो कि क्या होगा, कभी कभी मान लो कि कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक वेरिएबल मान के भी काम चल जा रहा है। तो जब आप, मैं आपको बता दूं कि जब आप एक वेरिएबल मानते हो ना, जब आप वन वेरिएबल पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन की जरूरत होती है। मतलब आप एक इक्वेशन से ही उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल, उसी के आपको वैल्यू निकालने। बट अगर आप दो वेरिएबल मान रहे हो, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। ये हो गया इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर को इजी करना, मतलब इस एक्सरसाइज को इजी करना है, यानी वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपको इजी करना है, तो कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट है। अब आप उस स्टेटमेंट को, ठीक है, जब आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट करते हो भाई, इक्वेशन में, तो आपका ना 90% यहीं पर सॉल्व हो जाता है। मतलब आपको जो एफर्ट लगाना है, वो आपको इक्वेशन से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने में लगाना है, ठीक है। बाकी इक्वेशन को जो सॉल्व करते हो आप, इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करते हो, तो ये आप सीख चुके हो, ठीक है, इसमें आपको मात्र 10% ही एफर्ट लगाना है, और ये आप सीख चुके हो। आप सबको पता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास मेथड्स भी है, आपके पास फॉर्मूलाज, आपके पास आपको तरीका पता है, ठीक है। तो ये आप अभी से पहले कर रहे हैं, ठीक है, आपने जितना भी एक्सरसाइज पढ़ा सब में आपने यही किया है, इक्वेशन आपके पास थे, आपने उनको सॉल्व किया, एंड यू देन यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो आप कर चुके हो। जो आपको करना है वो ये कि स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, जो कि आपको सीखना है, और यही आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में सीखना है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कुछ वर्ड, जब भी आप इस क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा ध्यान रखना है। पहला चीज तो आप ये ध्यान रखो कि कभी भी ना आप क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश ना करो, ठीक है, समझ रहे हो बढ़िया है, बट अगर आप उसमें उलझ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एज रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे टू डिजिट नंबर रिलेटेड, बहुत सारे न्यूमरेटर फ्रैक्शन रिलेटेड आएंगे, ठीक है, फिर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, मतलब बहुत एज, फिर आपको मतलब देखा जाए तो बहुत सारे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। तो अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन को समझने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो आपको समझना नहीं है, आपको वर्ड टू वर्ड चलना है। क्या करना है भाई, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, जो जो लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है, बस हम वर्ड टू वर्ड चलेंगे। अब वर्ड टू वर्ड चलने के लिए क्या होता है या इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन जब बना करके दिखाऊंगा ना, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्ड टू वर्ड किसे कहते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है या आप ये समझ लो कि कुछ वर्ड मीनिंग है या कैसे क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड चलते हैं,
उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग की मैं बात कर लूँ, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे मान लीजिए ट्वाइस दिखता है, ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हो, तो आप ट्वाइस का मतलब है आपको वहाँ पे टू मल्टीप्लाई करना। अगर आपको कहीं पे थ्राइस दिखता है, ठीक है, तो थ्राइस का मतलब है वहाँ पे आपको थ्री मल्टीप्लाई करना। अगर आपको कहीं पे टू मोर दिखता है, टू मोर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टू प्लस करना। अच्छा, अगर आपको कहीं पे मान लीजिए कि थ्री मोर दिख रहा है या थ्री लेस दिख रहा है, सॉरी थ्री लेस दिख रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे थ्री माइनस मत कर देना, ये गलत है। ठीक है, आपको यहाँ पे वो वैल्यू माइनस थ्री करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप टू मोर लिख रहे हो, तो टू मोर देन एनी नंबर, तो उसमें दो ऐड कर देना, बट थ्री लेस देन एनी नंबर, तो वो नंबर यहाँ लिखाएगा और माइनस थ्री इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपको कहीं पे एक्सीड वर्ड दिख रहा है, एक्सीड्स, तो देखो जहाँ पे एक्सीड्स, ऐसे एक्सीड्स का मतलब तो होता है बढ़ जाना, बट चूंकि हम इक्वेशन बना रहे होते हैं तो एक्सीड में जहाँ भी आपको एक्सीड दिखेगा वहां पे आप माइनस पुट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे वन थर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो वन थर्ड का मतलब क्या होता है, वन थर्ड का मतलब वन बाई थ्री इस तरह से। ठीक है, फोर फिफ्थ रहेगा तो किसी बात है फोर बाई फाइव कर दोगे, ये फोर फिफ्थ के लिए। ठीक है, चलिए, तो और भी है, जैसे ये सारी चीजें होगी जब जहाँ जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपको ये सारी चीजें बहुत काम देने वाली है। अगर कहीं पे वॉज दिखता है या फिर इज दिखता है, तो उसका मतलब है वहां पे ना इक्वल टू की बात हो रही है, इक्वल टू देना है आपको। ठीक है, अब देखो हर जगह पे आपको वॉज इज जहाँ दिख जाए वहां इक्वल टू मत दे देना, कभी कभी आपको क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा अच्छा ये एक इक्वेशन कम्प्लीट हो रहा है और इसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे वॉज का मतलब इक्वल टू है एंड देन यहाँ पे इक्वेशन जो है वो कम्प्लीट हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं और जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा, बट ये कुछ बेसिक्स है वर्ड मीनिंग जो आपको ध्यान रखने, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए, बाकी जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक चीज और, आपको तो पता ही होगा भाई कि जो फ्रैक्शन होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, ये ऊपर में न्यूमरेटर होता है और नीचे में डिनोमिनेटर होता है, तो ये तो आपको पता ही है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आएगा टू डिजिट नंबर रिलेटेड, तो देखो ऐसा है कि टू डिजिट नंबर का पूरा जब वो आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से अगर हम क्वेश्चन लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखो कैसे सॉल्व करना, किस तरीके सॉल्व करना। अच्छा, एक चीज और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मतलब ये तो आपको दिमाग में रख के चल रहा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है भाई, मोस्टली क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन, जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो, ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के साथ आपको सबके दिमाग में ये चीजें आता है कि सर सबसे पहले क्या करें, क्या मान, ठीक है, कोई चीज नहीं पता होता आपको। तो देखो अगर आपको ये कभी आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या माने या किसको एक्स माने किसको वाई माने, ठीक है, या किस तरीके से पहला लाइन क्या लिखे, होता है बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको यही नहीं पता होता है कि सर स्टार्टिंग कहाँ से करें, व्हाट इज माय फर्स्ट लाइन, व्हाट इज माय फर्स्ट वर्ड, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, व्हाट वैल्यू वी अज्यूम, ठीक है, एट द इनिशियल, तो ये सारी चीजें। देखो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो तो आपने सबसे लास्ट का लाइन पढ़ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लास्ट का लाइन पढ़ने का मतलब हुआ कि आप देखना कि क्या बोल रहा है फाइंड करने, और वहां से आपको एक क्लू मिलेगा कि अच्छा ये मानना है। जैसे आपको देखो यहाँ पे बोल रहा है, मैंने अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं आपको बस लास्ट का पढ़ के बता रहा हूँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल, भाई एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट पूछ रहा है वो, ये फाइंड करने का है, ठीक है, तो मेरे को लास्ट से एक आइडिया मिल गया कि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मतलब टेबल चेयर का वैल्यू निकालना है, ये मेरे को लास्ट से आइडिया मिला। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो यही की लिख लूंगा ना, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ इस क्वेश्चन की, सॉल्यूशन की, अब देखो मैं, मेरा काम बस इतना रहेगा इस पूरे एक्सरसाइज में कि मैं आपको जो है वो स्टेटमेंट से, ठीक है, इक्वेशन बनाने में हेल्प करूँ। ठीक है, ये मेरा काम रहेगा, बाकी इक्वेशन से उसके सॉल्यूशन तक या उसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करोगे। ठीक है, ये मैंने बहुत बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो अगर आप नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। बाकी अभी मेरा जो काम होगा वो सिर्फ ये होगा कि अभी मैं स्टेटमेंट से इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें मैं आपकी मदद करूँ, उसमें मैं आपको बताऊँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या करें, इस क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे बनाए। तो देखो सबसे पहले तो बोल रहा है कि एक चेयर और एक टेबल का हमें दाम निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे भाई लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मतलब एक चेयर का दाम आप मान लो, चलो मैंने मान लिया एक चेयर का दाम एक्स रुपीज है और एक टेबल का दाम जो है वो वाई रुपीज, ठीक है ये मैंने मान लिया, ठीक है ओके। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई आठ चेयर पांच टेबल का दाम, द कॉस्ट ऑफ एट टेबल्स एट चेयर्स एंड फाइव टेबल्स फॉर अ क्लास रूम कॉस्ट 10,500। अब देखो आठ चेयर अभी आठ, अच्छा एक चेयर का दाम एक्स है तो आठ का कितना होगा, क्या होगा सर 8x होगा, ठीक है अच्छा एंड बोल रहा है, मतलब यहाँ पे देखो जोड़ने वाली बात हो रही है, ठीक है और मोस्टली एंड की जगह पे कहीं कहीं पे एंड का मतलब जो है वो प्लस भी होता है, ठीक है ये आप याद रखना एंड का मतलब प्लस आपको दिख, मतलब ये ध्यान रखना ओके। अभी क्या हो गया ये एट चेयर का कॉस्ट हो गया, अच्छा ठीक है पांच टेबल भी है ना तो पांच फाइव इंटू टेबल का कॉस्ट हो गया वाई, दैट विल इक्वल टू अभी कितना लगा है टोटल कॉस्ट, जैसे ये हो गया टेबल का हमारा, ये हो गया चेयर का, ये चेयर का हो गया और ये टेबल का हो गया टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना पे किया गया 10,500 और ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरे में कह रहा है भाई पांच चेयर है, फाइव चेयर, अभी फाइव चेयर का मतलब 5x, ठीक है अच्छा उसके साथ साथ तीन टेबल है भाई 3y, कितना आ रहा है कहोगे आ रहा है सर 6,450 रुपीज एंड दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, अब दो इक्वेशन मैंने बना दिए, अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। अब देखो इक्वेशन सेम यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है 8x plus 5y equal to 10,500 and 5x plus 3y equal to 6,450, ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि वर्ड टू वर्ड क्या होता है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊं तो चलते हैं एक बार एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है और हर टाइप के क्वेश्चन मैं बता दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ और अभी देखिए टू डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 11 सम ऑफ टू वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 के पहले जो 10 क्वेश्चन है वो आप आराम से बना सकते हो बिना मतलब जितना भी तक मैंने बताया ना उतने के हेल्प से आप 1 से 10 तक तो आराम से बना सकते हो। अब मेरे को एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा जिससे आपको लगे कि हाँ भी वर्ड टू वर्ड क्या होता है, ठीक है जैसे आप समझ लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, ठीक है या फिर आप अगर मान लो मैं 6, चलो ठीक है 6 या 7 में से कोई एक बता देता हूँ जो आपको, ठीक है कौन सा बता दें श्योर सर 7 7, चलो ठीक है 7 ही बता दें। देखो 7 किस तरीके से बनता है, मैं इक्वेशन बनाने में हेल्प करूंगा बाकी आपकी जिम्मेदारी है आप इसको कैसे करते हो, ठीक है इक्वेशन कैसे बनता है मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेट of two numbers, ठीक है if its resultant in other number, ठीक है its results in the other number, if 21 is subtracted from twice the smaller number, if the resultant it results in the greater number and find the number। देखो अभी हुआ क्या, आपको यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर क्या ग्रेटर स्मॉल कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखो मैंने आपको बोला ना जब आपको समझ नहीं आया तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लास्ट में जाओ, लास्ट में देखोगे क्या पूछ रहा है, बोल रहा फाइंड द नंबर्स यानी आपको नंबर्स निकालने, यानी यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि सर दो नंबर है, ठीक है दो नंबर हमें निकालना है जिसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, एक स्मॉलर है और एक जो है वो ग्रेटर है, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं अभी अगर मैं अच्छा एक सेकेंड ये टू डिजिट नंबर वाला तो नहीं है, if 45 is subtracted from twice the greater of two numbers, ठीक चलो ठीक है ये टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना वो 11 से स्टार्ट है। तो देखो सबसे पहले आपको दो नंबर मानने, मैंने चलो मान लिया x और y, ठीक है अब इसमें से किसी को मेरे को एक बड़ा मानना है एक को छोटा मानना है, तो चलिए मैंने मान लिया x बड़ा है और y छोटा, ठीक है मैंने यहाँ पे साइन भी दे दिया ग्रेटर दैन का। अब क्या आता है कि 45 is subtracted from, अभी देखो from का क्या मतलब होता है, from का मतलब होता है कि जो इसके बाद होगा, ठीक है वो पहले लिखाएगा और उस
ठीक है, और इधर वाला जो है वो बाद में लिखेगा। ये फ्रॉम का मतलब हम लोगों ने बचपन से सीखा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कितने में से, टॉइस द ग्रेटर ऑफ टू डिजिट नंबर, मतलब जो बड़ा है ना, ठीक है, उसका टॉइस, टॉइस मतलब दोगुना, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना भाई, 45 एंड द रिजल्ट, एंड इट्स रिजल्ट इन द अदर नंबर। अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो दूसरा वाला नंबर आएगा, दूसरा नंबर क्या था बोलोगे भाई। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। देखो इसको कहते हैं वर्ड टू वर्ड, क्या हुआ भाई, बोल रहा है 45 इज, अब बोलोगे सर आप ने तो इसका मतलब तो इक्वल टू बताया था। देखो कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पे इसका मतलब इक्वल टू नहीं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना भी है कि क्या कर सकते। देखो आपको बोला है ना 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अभी फ्रॉम का क्या मतलब होता है, फ्रॉम के बाद जो भी होगा वो पहले लिखाएगा। तो फ्रॉम के बाद है टॉइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर हमने क्या माना था x, उसका टॉइस यानी ये, अभी फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, और फ्रॉम के पहले जो होगा वो यहाँ पे लिखाएगा। तो 45 माइनस कर दिया, अब ऑब्वियस ही बात है ना, ये जब माइनस किए हैं तो कुछ ना कुछ इक्वल टू में आएगा, रिजल्ट में आएगा, एंड रिजल्ट में कहता है अदर नंबर, अदर नंबर क्या है भाई यहाँ पे y, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा पहला ही क्वेश्चन। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो फिर कहता है कि 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अभी देखो फिर फ्रॉम आया, फिर बोलता है टॉइस द स्मॉलर नंबर, अब बोलता है स्मॉलर नंबर का जो टॉइस है ना उसमें से माइनस करेंगे कितना भाई 21, एंड द रिजल्ट विल बी द ग्रेटर नंबर, दैट विल बी द x, ग्रेटर नंबर कौन है यहाँ पे x। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन बनाए हैं, ये आप देख सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, आपको इनको सॉल्व करना है, पहले तो एक दोनों वेरिएबल को एक साइड कर लो और उसके बाद सॉल्व करो, यानी सॉल्यूशन करने का मतलब उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में हेल्प कर, ठीक है। चलो तो समझ में आया, श्योर शुभम, इसको कहते हैं वर्ड टू वर्ड, चलो बढ़िया, ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्ड टू वर्ड, यानी आपको एक एक वर्ड पकड़ के चलना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और आपका आज का होमवर्क है आप 10th तक बनाओगे, ठीक है। 10th के बाद जो टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बता दूं या नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। वैसे अगर टू डिजिट नंबर, एक काम कर सकते हो आप, देखो अभी ना 11 से लेकर, मैं आपको बता दूं 11 से लेकर के 18 तक, ठीक है, ये सारे के सारे टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे के सारे टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग एक स्पेशल मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अच्छे से समझेंगे टू डिजिट नंबर क्यों इस तरह से इसका पैटर्न है, क्यों इसी तरीके से बनाएंगे। बाकी 19 के बाद जो है ना वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है, फ्रैक्शन वाला है, तो वो आप बना सकते हो 19 के बाद। तो आप लोगों का होमवर्क आज का ये होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक बनाओगे, और क्वेश्चन नंबर 19 से जहाँ तक आप बना सकते हो, ठीक है, अप टू जहाँ तक आप बना सकते हो, ठीक है, आप 25 30 जितना भी बना लो, ठीक है, जहाँ तक बने। जो नहीं बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना गाइस, ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर सकूँ उसको। और आप लोग भी शुभम सौर, आप लोग को जो नहीं आता है, ठीक है, वो आप अगली क्लास में पूछ लेना, फिलहाल आप लोगों का होमवर्क ये है, ठीक है। और एक चीज और, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी है इसमें, क्या है, एक सेकंड शुभम क्या बोल रहे हो सर, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी है। हाँ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी है, डोंट वरी, वहाँ पे आएंगे तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल जितना मैंने बताया है वो काफी है आपको 19 के ऊपर तक, या 1 से 10 और 19 के बाद सारे क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ एक काम करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको फ्रैक्शन, देखो कहते हैं ना फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो आप एक काम करना, आप इधर पी को न्यूमरेटर मान लेना, क्यू को डिनोमिनेटर, या फिर एक्स को न्यूमरेटर मान के वाई को डिनोमिनेटर मान लेना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। लास्ट में आप क्या करोगे, एक्स वाई का वैल्यू निकाल के और उसको डिवाइड कर देना, बोलना भाई ये यही है फ्रैक्शन, क्योंकि ये एक्स बाई वाई हमें फ्रैक्शन ही तो दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बना। चलिए उम्मीद करते हैं गाइज वीडियो काफी पसंद आया हो, तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, दे आई एम जस्ट राइटिंग माय नंबर, दैट इज 7004894988, ओके। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, दे मेक अ कॉल, दे विल गेट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग इन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे एंड